Hi, this is Rajesh Mishra signing in from Basantown. Today we'll be checking out one of the flag bearers of Gujarati and Rajasthani cuisine, Rajdhani. So I'm the chef, Kirta Ram, and at Rajdhani, in keeping with the Rajasthani tradition, chef's name is Maharaj. So Maharaj, you just talk us through the entire spread served here today. So Kirta Ram ji, हमें जरा बताएंगे आपके यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती दोनों का मिक्स होता है. Yes, yes. तो इन सब आइटम्स में यू नो क्या गुजराती और क्या राजस्थानी है और ज़रा प्रिपरेशन के बारे में बताइए. सर ये अपना गुजराती आइटम है, बैंगन भरता है. बैंगन भरता दम फुलावर, आलू टोमेटो गट्टे की सब्जी है, या आम की लौंजी है, भज्जी तो कड़ी है, दाल है तिक्का दाल, एंड गुजराती अपना दाल है, दाल बाटी है, सुरमा है, राइस है, खिचड़ी है, ये आपने आम की जलेबी है, ड्राई फ्रूट हलवा, आम रस, सास. ओके, ये सारे आइटम्स में गुजराती वाले कौन से हैं प्रेडोमिनेंटली जो गुजरात से जो आते हैं? गुजराती दाल है सर. ओके, और ये अपना बैंगन ओलो. गुजरात में हमेशा दाल एक मीठी और एक मीठी दाल और मीठी कड़ी स्वीट कड़ी रहती है. ओके, और बैंगन और रींगना ओला है सर. बाकी राजस्थानी आइटम है, गट्टा है, दाल बाटी सुरमा है, और बाकी एवरीथिंग. ओके, मुझे बताया गया है कि राजस्थानी के जो बॉम्बे और वेस्टर्न एरियाज़ में जो आपके राजस्थानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे प्रेडोमिनेंटली गुजराती होता है. yes, yes. और जैसे ही आप नॉर्थ में आते हैं तो आप गुजराती के साथ राजस्थानी मिक्स करते हैं. तो उसमें आपके यहाँ में जो सर्व किया गया है इनमें से राजस्थानी ज़रा आइडेंटिफाई कराएंगे? गट्टे की सब्ज़ी है, दाल बाटी है, राइट, और टिक्का दाल. ओके, और खिचड़ी, मेथी थेपला, ये गुजराती थोड़ा ज़्यादा. और स्वीट डिशेस में जितने हैं ये ज़्यादातर यहाँ के हैं, राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं? जलेबी राजस्थान, मालपुआ है. ओके, जलेबी है, आमरस, ये गुजरात में सारे से आते हैं. ओके, और यहाँ पे जो आपके गेस्ट आते हैं उनको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? दाल बाटी सुरमा ज़्यादा लाइक करते हैं सर. आमरस अभी फेस्टिवल चल रहा है, उसमें भी आम की लुंजी है, आम की मैंगो चटनी है सर. ये खोबा रोटी, ये भी राजस्थान की बहुत फेमस आइटम है. इसको खोबा रोटी चाहिए. ये वाली? हाँ सर. ये मेथी थेपला, खोबा रोटी और उसके आम की चटनी के साथ. राइट सर. आई मीन गुजराती खाने का एक खासियत ये है कि उसमें मीठा और खट्टा का बहुत ये चलता. गुजराती स्वीट और राजस्थानी थोड़ा तिक्का होगा, तिक्का रहता है, मिर्ची तिक्का, लहसुन का ऑनियन राजस्थान वाला थोड़ा ज़्यादा है. तो आपके हिसाब से इस थाली की खासियत क्या है? आई मीन व्हाट इज़ इट, व्हाट मेक्स इट स्पेशल? राजस्थानी थाली कंपेयर्ड टू से पंजाब का या बंगाल का या तमिलनाडु? इसके लगी तीन स्वीट रहता है सर, चार सब वेजिटेबल रहता है, दाल कड़ी. नहीं, सब्जी बना, आई मीन ये सारी चीज़ों बनाने के तरीके में कोई थोड़ा सेंज जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सेंजेस है, इसमें मतलब एकदम घर का फूड रहता है. ओके, आफ्टर सम्पशियस मील इट्स टाइम टू साइन ऑफ, बट नॉट बिफोर हाईलाइटिंग सम ऑफ द स्टैंड आउट डिशेज दैट वी हैड टुडे. वी dropped by during the course of a fantastic aam festival that's currently on, and some of the fantastic aam related stuff that we had today included fajito kadi, aam jalebi. These are two you must try, and if you have a penchant for sweet and sour, you know, the subtle intermingling of sweet and sour, do try Rajdhani. Thank you.